और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। बीपीएससी से सफल शिक्षक अभ्यर्थियों की अब ट्रेनिंग की जाएगी। शिक्षा विभाग ने ट्रेनिंग के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। राज्य की 74 ट्रेनिंग संस्थानों में रिसोर्स पर्सन ट्रेनिंग देंगे। विभाग ने अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर से आवेदन की मांग की है। प्रति कक्षा ₹1,000 और यात्रा भत्ता का भी भुगतान किया जाएगा। 5 अक्टूबर तक एनसीईआरटी के मेल पर आवेदन मांगा जाएगा। 1,70,000 सीटों के लिए परीक्षा हुई थी। न्यूज 18 ने सबसे पहले ट्रेनिंग कराए जाने की जानकारी दी थी और इस पूरी खबर पर अब मुहर लग गई है। शिक्षक अभ्यर्थियों को अब ट्रेनिंग दी जाएगी। और पटना से हमारे संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर? देखिए सुधी, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर लगातार शिक्षा विभाग पहल कर रही है और ऐसे में जो कार्यरत टीचर हैं उनको भी ट्रेनिंग कराई जा रही है। इसके साथ साथ जो 1,70,461 पदों पर जो बहाली निकली है, शिक्षक बहाली प्रक्रिया अभी जारी है और अभी रिजल्ट कुछ ही दिनों बाद जारी होने वाला है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने अभी विज्ञापन जारी कर दिया है कि राज्य के 74 जो ट्रेनिंग संस्थान है उसके लिए जो है रिसोर्स पर्सन की जरूरत है। ऐसे में एससीईआरटी को ये जिम्मा दिया गया है और 5 अक्टूबर तक जो रिसोर्स पर्सन है उनमें अवकाश प्राप्त जो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनसे विज्ञापन मांगा गया है और ₹1,000 जो है उनको भत्ता भी दिए जाएंगे। तो न्यूज 18 ने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही है इससे बहाल होने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो सफल अभ्यर्थी जैसे ही रिजल्ट जारी होगा उनको जो है ट्रेनिंग कराया जाएगा। तो निश्चित रूप से खबर पर मुहर लगी है और अब रिजल्ट के तुरंत बाद जो है स्कूल ज्वाइन ना करा करके सरकार पहले उन्हें ट्रेनिंग संस्थानों में ट्रेनिंग देगी, उसके बाद जो है वो ट्रेंड होने के बाद स्कूलों में ज्वाइन करेंगे और फिर शिक्षा देंगे। सुभी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। तो अक्टूबर महीने में शिक्षक अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग कराई जाएगी और इसको लेकर ₹1,000 का भुगतान और साथ ही साथ यात्रा भुगतान भी दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया, रिसोर्स पर्सन ट्रेनिंग देंगे।